पेश है इजुसा डायमंड ज्वेलरी, उस नारी के लिए जिसकी सुंदरता है उसकी शक्ति में, जिसकी अच्छाई से रोशन होती है ये दुनिया, जिसके दिल से बहता प्यार का दरिया। इजुसा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क कीजिए, कॉल नाउ 1-800-532-8444। पूरा मामला आजमगढ़ जिले से है, जहां कल एक महिला ने अपने ऊपर मारपीट और छेड़खानी का आरोप गांव के एक युवक जो कि सपा के पूर्व मंत्री का रिश्तेदार है पर लगाया था, जिसका ज्ञापन सौंपा था, जिस पर आज एसपी आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बताया कि रानी की सराय थाना क्षेत्र के तमौली गाँव में बच्चों के विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई थी। उक्त मामले में दोनों पक्षों का आपस में समझौता हो गया है और वो छोटी छोटी बातों पर मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहते और आपस में ही समझौता कर लिया। एसपी ने आगे बताते हुए कहा कि अगर कोई भी पक्ष मुकदमा लिखवाना चाहता है तो उसका मुकदमा दर्ज कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी आजमगढ़ ने आगे और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, कुछ बच्चों के विवाद में, कुछ दिन पहले बच्चों का विवाद हुआ था, उसमें कल मारपीट हुई थी और उस मारपीट में दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा किया गया था। दोनों पक्षों को कल थाने बुलाया गया था जांच के लिए, पूछताछ के लिए। दोनों पक्षों के कुछ जो समरण व्यक्ति है दोनों पक्षों की तरफ से आकर उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थाने पर आकर, ये लिखित रूप में दिया कि उनमें आपस में फैसला हो गया है और ये छोटी छोटी बातों के लिए वो केस नहीं पंजीकृत कराना चाहते हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए इन दोनों का फैसला दाखिल किया गया जीडी में और इन्हें थाने से, क्योंकि मुकदमा नहीं लिखाना चाहते थे और आपस में फैसला कर लिया गया था, इन्हें थाने से दोनों पक्षों को छोड़ दिया। सर, चल सकता है? देखिए, माफी एक पक्ष से नहीं, एक पक्ष ने माफी नहीं मांगी है, ये फैसला दोनों पक्षों द्वारा, किसी एक पक्ष द्वारा लिख के नहीं दिया गया। अगर आपस में कोई छोटी मोटी हीनियस क्राइम नहीं है, छोटी मोटी बात आपस में हुई है, तो ये बेहतर है कि दोनों पक्ष अगर आपस में एक फैसला करते हैं और आपस में फैसला लिख के देते हैं, तो उसमें क्योंकि मुकदमा नहीं लिखा गया, आपस में फैसला कर लेने कारण इसीलिए उन्हें थाने से छोड़ा गया, आज फिर उन्हें बुलाया गया है। और यदि कोई पक्ष अगर मुकदमा लिखाना चाहता है तो उसको मुकदमा लिख के कर। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।